आपके साथ प्रीति सिंह। बात सबसे पहले राजधानी रांची की। रांची में कल से लगातार कैश जब्त हो रहे हैं। ईडी की कार्रवाई में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुके हैं। कल झारखंड के मंत्री आलम के पीए संजीव लाल और साथ ही उनके नौकर जहांगीर के घर से 32 करोड़ मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर ईडी के रिमांड में भेज दिया गया। मगर आज इस काले धन के रैकेट से जुड़े कुछ और सिंडिकेट का पता चला है। इस रिपोर्ट में देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में कल नोटों की जिस खदान का पता चला, आज उस काले धन की सुरंग का और छोर सामने आ चुका है। जिस कमरे में करीब 32 करोड़ कैश जमा था, उसकी चाबी किसके पास थी और किसके इशारे पर नोटों से भरी अलमारी का ताला खुलता था, आज इससे जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे काले धन का ये कुआं कितना गहरा था, कैश लोग का ये जाल कहां तक फैला था, नोटों के इस पहाड़ के पीछे कितने किरदार छिपे हैं और करीब 36 घंटे की छापेमारी में क्या क्या पता चला। मगर इन तमाम सवालों के जवाब सुनने से पहले ये जान लीजिए कि इस केस में अपडेट क्या है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर के जिस पीए संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम के घर से कल 500 की सैकड़ों गड्डियां निकली। आज उन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। अब 13 मई तक संजीव लाल और जहांगीर आलम ईडी के सवालों का सामना करेंगे। रात के लगभग 1 बजे तक छापेमारी चली और सुबह में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ईडी दफ्तर से इन लोगों को पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां पर पेश किया जाएगा, फिर ईडी आगे की कार्रवाई में जुट जाएगी। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई आज भी जारी रही। आज ईडी की टीम ने 5 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने राजीव कुमार नाम के ठेकेदार के घर पर रेड मारी। ईडी ने राजीव कुमार के घर से करीब 1.5 करोड़ कैश जब्त किया। इस रेड के दौरान सबसे बड़ी बात जो पता चली, उसके मुताबिक राजीव कुमार ने मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल को करीब 10 करोड़ रुपए नकद दिए थे और इस छापेमारी को संजीव लाल से शुरुआती पूछताछ के आधार पर ही अंजाम दिया गया था। ईडी ने आरोपी संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड के लिए कोर्ट में जो याचिका पेश की, इस याचिका में पूरे केस से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि जो करोड़ों कैश जहांगीर के घर में जमा था, दरअसल वो कमीशन की काली कमाई थी, जो झारखंड में 2 साल पहले हुए टेंडर घोटाले की देन है। टेंडर घोटाले के केंद्र में था चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम। 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। वीरेंद्र राम पर सरकारी टेंडर में कमीशन रैकेट चलाने का आरोप था। जांच में पता चला कि वो 1.5% कमीशन अधिकारियों और नेताओं में बांटता था। कमीशन का ये पैसा मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल के पास जमा किया जाता था। वीरेंद्र राम ने सितंबर 2022 में कमीशन का करोड़ों रुपया संजीव लाल को दिया। पिछले काफी सालों से जो भी टेंडर किसी भी कंपनी को दिया जाता था या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता था, बदले में उससे मोटा कमीशन वसूला जाता था और उसको फिर अलग अलग लोगों के पास छुपाया जाता था। इस पूरे नेक्सस की जांच करने के लिए संजीव लाल और जहांगीर आलम की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। जाहिर है कैश का ये गोदाम 2-4 लोगों के सहयोग से नहीं भरा, कमीशन के इस रैकेट का बड़ा सिंडिकेट है। मगर इतना जरूर है कि काले धन के इस पहाड़ के पीछे 3 अहम किरदार हैं। पहला, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, इसका काम कमीशन लाना था। दूसरा, मंत्री आलमगीर का पीए संजीव लाल, ये कमीशन जमा करता था। और तीसरा, संजीव लाल का नौकर जहांगीर, जिसके घर में कैश रखा जाता था। मगर ये कमीशन सिंडिकेट यहीं खत्म नहीं होता। इस रैकेट के सबसे अहम किरदार वो सफेदपोश लोग हैं जिनके पास कमीशन का सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचता था। इन लोगों में कई बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।
ईडी ने भी आरोपियों की रिमांड एप्लीकेशन में कोर्ट में दलील दी है कि एक कर्मचारी के घर इतनी बड़ी रकम का मिलना मामूली बात नहीं है। इस कैश का कनेक्शन कई सफेद पोशों तक हो सकता है, जिन तक पहुंचने के लिए आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। जाहिर है एक कमरे से जो कैश मिला है वो इस पूरे काले धन का छोटा सा हिस्सा हो। मुमकिन है कि भ्रष्टाचार का ये जाल दूर तक फैला हो, क्योंकि अभी भी करप्शन की खान से नोट निकलने बंद नहीं हुए हैं। कल रात जहांगीर के घर से 35 करोड़ की बरामदगी के बाद आज दूसरे ठिकानों से करीब 1.5 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं। रांची से धीरज ठाकुर और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के प्रचार मैदान में दिखाई दिए और राहुल गांधी ने आज